Okay, so class, in ninth chemistry we are going to start the new chapter, that is chapter 4, periodicity of elements, matlab anasir ki dauriyat. This chapter is actually the history of periodic table. Periodic table, jaisa ki aap jante hain chemistry mein, ke hamare paas total 118 elements hain, 118 elements hain, aur un 118 elements ko hum jo hai wo kisi ek table ki surat mein arrange karte hain, jisko hum kehte hain periodic table, ताकि सिस्टमेटिक वे पर उनको पढ़ा जा सके. एलिमेंट्स को पढ़ना, उनको समझना और उनको फाइंड आउट करना किसी टेबल के अंदर इजी हो. तो ये जो पीरियोडिक टेबल जो आप देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये जो बना है ये काफ़ी सारी कोशिशों के बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बाद जाकर बना है. और आज हम उन्हीं साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को पढ़ने वाले हैं कि किन किन साइंटिस्ट ने कितने कितने वर्क किया, आखिरकार हमें अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मिला. ठीक है, तो यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में सबसे पहला जो वर्क किया, 1829 में ये काम शुरू हुआ. एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मनी में रहने वाले एक माहिर कीमियादान थे, जिनका नाम था जोहैन वोल्फगैंग डोबेरेनर. तो जोहैन वोल्फगैंग डोबेरेनर इनका फुल नेम था, नॉर्मली हम उसको जस्ट डोबेरेनर भी कह सकते हैं. तो डोबेरेनर ने एक रूल पेश किया था, दैट इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ ट्राइएड, ट्राइएड का असूल. रूल मतलब होता है असूल. तो ट्राइएड का असूल उन्होंने पेश किया. तो ट्राइएड किसे कहते हैं? ट्राइएड मीन्स अ टेबल विथ थ्री रॉज. एक ऐसा टेबल जिसके अंदर तीन रॉज हों, उसको ट्राइएड कहते हैं. ट्राई मतलब वैसे भी तीन होता है. ठीक है, तो क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है इस रूल की? ये कहता था, इफ सिमिलर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, आर प्लेस्ड इन अ ट्राइएड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन द सेंट्रल एटम हैज एन एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. कि अगर एक जैसे एलिमेंट्स को किसी ट्राइड में रख दिया जाए, तो मैंने नीचे एग्जाम्पल में एक ट्राइड बनाया है. ट्राइड में तीन रॉज होते हैं जिसके अंदर तीन अलग अलग एलिमेंट को रख दिया गया. सिमिलर एलिमेंट्स को, एक जैसे एलिमेंट को, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे प्रॉपर्टी में रिजेंबल करते हैं. तो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं सारे, हाईली रिएक्टिव होते हैं सारे. तो तीनों एलिमेंट्स को हमने एक साथ रख दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को. लिथियम का एटॉमिक नंबर 7 था और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो है वो 39 था. तो जब हमने लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस का एवरेज लिया, मतलब अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन अब एवरेज को भी कह सकते हैं. तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर एवरेज या मीन निकालना सीखा होगा. तो अगर हमें 7 और 39 दोनों नंबर का मीन निकालना है, तो क्या करेंगे? 7 और 39 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. तो ये 39 + 7 हो गया 46, 46/2, 2 और 2 से जो है वो 23 से 46 कट गया. तो आंसर हमारे पास 23. और ये 23 आप सब जानते हैं कि इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. कि जब हम लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस का एवरेज लेते हैं, अर्थमेटिक मीन लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हमारे पास वो वैल्यू आती है जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है. तो इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या समझ में आता है? कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों एलिमेंट्स के अंदर कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है. तो अगर हम चाहें तो इन तीनों को किसी एक ग्रुप में, ट्राइड में रख सकते हैं. तो इस तरह से दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ 1829 में कि ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, कि एलिमेंट्स को हम ग्रुपिंग करके रख सकते हैं. पहले हर एलिमेंट को अलग 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 रखा जाता था. तो इन्होंने सोचा कि एलिमेंट्स की ग्रुपिंग क्यों ना कर दी जाए. और ग्रुपिंग इस वजह से भी कर दी जाए चूँकि बाकी दोनों एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस है, उनके एवरेज लेने पर सेंट्रल एटम, बीच वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है वो. तो उसका मतलब देयर इज सम रिलेशन बिटवीन दीज थ्री एलिमेंट्स. पसंद में आ रही है आपको? क्या है रूल ऑफ ट्राइएड डोबेरेनर का? ठीक है, तो ये पहली कंट्रीब्यूशन थी जो कि पीरियोडिक टेबल को बनाने पर की गई. लेकिन इस रूल को रिजेक्ट कर दिया गया. शुरू में जितने भी पीरियोडिक टेबल बने, सारे के सारे पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बुनियाद पर बने हैं. चूंकि एटॉमिक, उस वक्त एटॉमिक नंबर डिस्कवरी नहीं हुआ था, एटॉमिक मास की डिस्कवरी जस्ट हुई थी. हाँ सर, 1800 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक मास डिस्कवर कर लिया था. और 1900 में जाकर क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई. तो उसका क्या मतलब होता है कि 1800 से 1900 के बीच में जितने भी पीरियोडिक टेबल बनेंगे, वो सब के सब एटॉमिक मास की बुनियाद पर बनेंगे. और जब भी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बुनियाद पर बनेगा, तब तब वो गलत बनेगा. तो शुरू के जितने भी हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल हैं, चाहे वो डोबेरेनर का हो, चाहे वो न्यूलैंड का हो, चाहे लोदरमेयर का हो, चाहे वो मेंडेलीफ का हो, ये चारों शुरू के, डोबेरेनर, न्यूलैंड, लोदरमेयर, मेंडेलीफ, ये चारों गलत हैं. सिर्फ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, जो एटॉमिक नंबर पर बना है 1900 के बाद, वही सही है. तो शुरू में हम सारे गलत पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले पढ़ेंगे कि किस किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर चेंजिंग आती है. बस समझ में आ रही है? तो सेकंड क्वेश्चन है, या सेकंड हमारे पास टॉपिक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव.
तो डोबिनर के रूल के रिजेक्ट होने के बाद नेक्स्ट लॉ आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का अट्ठे का कानून। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अट्ठे का कानून, ऑक्टेव के मतलब होते हैं एट या आठ, ठीक है, जैसे ट्राइड के मतलब तीन होते हैं, यस इसके आठ हैं, ठीक है। तो न्यूलैंड मतलब नई ज़मीन नहीं है, तो न्यूलैंड जो है ना नाम है ये, ठीक है। जॉन न्यूलैंड एक इंग्लिश इंग्लैंड के रहने वाले कीमियादान थे और उसके साथ एक म्यूजिशियन भी थे। म्यूजिशियन से मुराद क्या है कि वो एक मौसीकार थे, मौसीकी बजाने वाले या पियानो बजाने वाले थे। तो केमिस्ट के साथ साथ म्यूजिशियन भी थे, तो उन्होंने क्या किया था, केमिस्ट्री को म्यूजिक के साथ जोड़ दिया था, केमिस्ट्री और म्यूजिक को कंबाइन किया था। कैसे किया था थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ। तो न्यूलैंड जो थे वो इंग्लिश केमिस्ट थे और मौसीकार थे, जिन्होंने न्यूलैंड्स जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया था, ये भी एटॉमिक मास की बुनियाद पर उन्होंने पेश किया था 1863 में, 1863 में। और ये लॉ क्या कहता है, न्यूलैंड साहब क्या कहते थे कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन एवरी एट्थ एलिमेंट विल रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट लाइक द ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक। अगर तमाम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज कर दिया जाए, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज कर दिया जाए, तो हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, जैसे मौसीकी के ऑक्टेव्स में होता है, मौसीकी के आठ सुर में होता है। ये जो ऑक्टेव्स है ना, ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक, ये मौसीकी के असल में आठ सुर होते हैं, और आठ सुर अगर आप मौसीकी के जानते हैं तो उसमें जो है वो आठवां सुर पहले सुर को रिपीट करता है। मैं बता रहा हूँ कैसे। पहला सुर जो होता है वो होता है सा, फिर होता है रे, फिर होता है गा, फिर होता है मा, फिर होता है पा, उसके बाद फिर होता है धा, फिर होता है नी, और फिर होता है सा, जिसको तेजी में बोले तो सारे गामा पाधा नी सा, इसको हम कहते हैं, ठीक है, सुना होगा आपने इसको। तो ये पहला सुर है, ये सेकंड सुर है, ये तीसरा सुर है, ये चौथा सुर है, ये पांचवां सुर है, ये छठा सुर है, ये सातवां सुर है, ये आठवां सुर है। इन्हीं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑक्टेव्स। और समझना है किस तरह से म्यूजिक से जोड़ा था डोबिनर न्यूलैंड ने उसको। तो अगर आप देखो तो आठवें सुर को अगर आप देखो तो क्या है वो पहले सुर की तरह बिल्कुल है, सा से शुरू होकर सा पे खत्म होता है ना, ठीक है। तो जिस तरह से आठवां सुर पहले जैसा है, इस तरह पीरियोडिक टेबल में भी आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे इसको अगर आप मान लो कि ये पहला एलिमेंट है सा, ठीक है, पहला सा हो गया, तो सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर सा दोबारा यहाँ आ गया। लिथियम सोडियम, अभी डोबिनर ने बताया था कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती, ठीक है। अब अगर आप कहीं और से स्टार्ट कर लो, बी बेरिलियम से स्टार्ट कर लो, इसको पहला मान लो सा, तो रे सा ही हो गया, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो बेरिलियम मैग्नीशियम एक जैसे हो जाता है। उसका मतलब है, मतलब हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। इससे क्या होता है कि हमें ऑटोमेटिकली एक वर्टिकल कॉलम हमें कुछ ग्रुप्स मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि मतलब आठ आठ एलिमेंट गुजरने के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहे हैं। हर आठवां एलिमेंट पहले जैसा है, हर आठवां एलिमेंट पहले जैसा है। इसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी, जो न्यूलैंड ने पेश किया था। पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं, द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। के पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को एक मखसूस वक्फे के बाद बार बार रिपीट कर देते हैं। तो ये बार बार रिपीट करना प्रॉपर्टीज का, हर आठ एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है पहले एलिमेंट जैसी होती है, हर आठ एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी उसके पहले एलिमेंट जैसी होती है। तो इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले न्यूलैंड साहब ने पेश किया था। इससे क्या हुआ था कि एक वर्टिकल कॉलम्स के अंदर एलिमेंट सेम 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 से माना शुरू हो गए थे, ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब डिफेक्ट क्या था, किस वजह से इसको रिजेक्ट किया गया? तो पहली वजह रिजेक्शन की ये थी कि इसके अंदर उन्होंने हाइड्रोजन को नहीं डाला था, हाइड्रोजन के बिना बना दिया था पहला ये। और दूसरा ये कि नोबल गैसेस जो एट ए ग्रुप की गैसेस थे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, ये भी उन्होंने नहीं रखा था। और अगर उनको रख दिया जाएगा तो फिर ये न्यूलैंड ऑक्टेव जो है वो फेल हो जाएगा, इसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया, चूंकि ये कंप्लीट नहीं था ये न्यूलैंड का लॉ ऑक्टेव। और हाइड्रोजन को डालने पर ये लॉ जो है वो गलत हो जा रहा था, जिसकी वजह से इस को भी रिजेक्ट कर दिया गया न्यूलैंड ऑक्टेव को। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोदरमेयर्स क्लासिफिकेशन, लोदरमेयर के दर्जाबंदी। लोदरमेयर कौन थे? जूलियस लोदरमेयर एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले कीमियादान थे। और इन्होंने 1869 में दो काम किए, उन्होंने पहले तो अपना एक पीरियोडिक टेबल पेश किया और उसके साथ उन्होंने एक ग्राफ भी प्लॉट किया। तो उनका जो पीरियोडिक टेबल वाला काम था वो तो इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, लेकिन जो ग्राफ वाला काम था वो ज़्यादा फेमस हो सका, ठीक है। तो पहले मैं इनके पीरियोडिक टेबल के बारे में बताता हूँ, जो एटॉमिक मास की बेसिस पर उन्होंने बनाया था 1869 में,
कि उस दौर में लोदरमेयर के दौर में 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो उन्होंने उन तमाम 56 एलिमेंट्स को 9 वर्टिकल कॉलम्स में, मतलब 1 2 इस तरह से 9 वर्टिकल कॉलम्स के अंदर जो है वो उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसने तमाम एलिमेंट को प्लेस कर दिया सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। तो ये उनकी जो प्रोडक्ट टेबल था कि एक जैसे एलिमेंट्स को जो है उन्होंने एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया और उसने 9 वर्टिकल कॉलम्स बन गए। ठीक है, देन एक और काम उन्होंने किया कि एलिमेंट्स के मतलब पीरियोडिक टेबल को बनाने के साथ उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। अब ग्राफ किस तरह उन्होंने प्लॉट किया कि ग्राफ आप जानते हैं, अगर आपने कभी ग्राफ देखा है तो ग्राफ में दो एक्सेस होते हैं, एक आपके पास जो है वो ये वाला एक्स एक्सेस होता है और एक ये वाला आपके पास वाई एक्सेस होता है। तो उसने एक्स एक्सिस पर क्या किया, उसने एटॉमिक मासेस की वैल्यूज रख दी 10, 20, 30, 40 और वाई एक्सिस पर उसने एटॉमिक वॉल्यूम की जो है वैल्यूज रख दी। और हर एक एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वॉल्यूम होता है। तो उसने उस लिहाज से क्या किया कि एलिमेंट्स को मतलब ग्राफ के अंदर जैसे कि देखते हुए एक्स और वाई एक्सिस को देखते हुए उसने ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दिया। लेकिन अगर आपको प्लॉट करना आता होगा ग्राफ के अंदर वैल्यूज को, एक्स को देखा है ना मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 10 है और उसका एटॉमिक वॉल्यूम 30 है, तो यहाँ पर 10 पे आएंगे फिर ऊपर 30 पर आकर यहाँ एक डॉट लगा देंगे। ग्राफ बनाया कभी आप लोगों ने? कभी ग्राफ जिसने प्लॉट किया उसको पता होगा किस तरह से एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं। तो उसने पहले तो सिर्फ प्लॉटिंग कर दी, फिर उसने सोचा कि यार क्यों ना जितने मैंने डॉट्स बनाए हैं उन तमाम डॉट्स को कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो उसने तमाम डॉट्स को एक एक करके ब्लू कलर जो उसने जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं उससे उसने कनेक्ट कर दिया और वो दिस को देखकर हैरान रह गया। और वो क्या देखकर हैरान रह गया कि सिमिलर एलिमेंट्स आर ऑक्यूपाइंग सिमिलर पोजीशन इन द ग्राफ। एक जैसे एलिमेंट ग्राफ में एक जैसे जगह पर आ रहे थे। जैसे देखो ये पहाड़ियां आपको दिख रही हैं कि पहाड़ बने हुए, पहाड़ की जो चोटी है पीक है, ये पीक दिख रही है पहाड़ की आपको, पहाड़ की चोटी पर कौन सा एलिमेंट है? लिथियम सोडियम पोटेशियम, जो क्लास के शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। और जो असेंडिंग पोजिशन मतलब जहां से चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर, उन पर आपको कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, जो 7A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हैलोजेंस हैं। तो उसने कहा कि यकीनन अगर ये एक पीक पर आ रहे हैं, सारे असेंडिंग पोजीशन पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन तमाम एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन है और इन तमाम एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। तो इनको हम एक ग्रुप में डाल सकते हैं और उनको एक ग्रुप में डाल सकते हैं। इसने सेम वही प्रोडक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट पेश किया लेकिन ग्राफ की सूरत में उसने पेश किया, ग्राफ प्लॉट करके, जो ज़्यादा फेमस हो सका। बात समझ में आ गई क्या ग्राफ में क्या बात हो रही है उसके अंदर, कि एक जैसे एलिमेंट्स एक ही जगह से पोजीशन पर जो है वो जो है उसके ग्राफ में लोदरमेयर में आ रहे थे। ठीक है, तो हमने तीन साइंटिस्ट को आज डिस्कस किया, डोब्रिनर, न्यूलैंड और लोदरमेयर। बाकी नेक्स्ट क्लास में मेंडेलीव जो साइंटिस्ट है, मेंडेलीव की कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है।